हेलो स्टूडेंट्स, चलन तो आउ किसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखिबा। तो क्वेश्चन नंबर 64 हला कि अ सिलिंड्रिकल पाइप हैज इनर डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड वाटर फॉल्स थ्रू इट एट 192.5 लीटर्स पर मिनट। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर। हला तो मोर कौन अच्छे गोटे पाइप टे अच्छे हला ए पाइप टा अच्छे सिलिंड्रिकल पाइप टा अच्छे इधर कौन यार जो रेडियस टा जो अच्छी इनर रेडियस टा अच्छी हेटा कितना हो जीबो डायमीटर 7 सेंटीमीटर अच्छी तो रेडियस टा कौन है जीबो रेडियस टा मरो है जीबो 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर है जीबो। अबे ए थ्रू कौन हो जी ए थ्रू वाटर फॉल हो जी हैला कू रेट रे 192.5 लीटर्स पर मिनट। सी एम पचार छी फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर। एबे याकु मते किलोमीटर पर आवर रे चेंज करियार अछि। तो फर्स्ट जिंस हला कि आगम कोन करबी लीटर्स पर मिनट कु कोन करबी चेंज करबी किमिति चेंज करबा कि लीटर पर मिनट कु लीटर पर आवर रे चेंज करबा फर्स्ट जिंस। ता परे लीटर पर आवर रु या गोटे आवर रे से केते ये करूची केते लीटर से पानी बाहर करूची ताकू फिर कौन करबे लीटर टाकू एमएल रे चेंज करबा। हला एमएल रे चेंज कला परे काहे की गोटे लीटर जो होची से 1000 एमएल होची एबे हे थ्रू फिर कौन करबा चेंज कर देबा कुथरे सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब रे। तो सेंटीमीटर क्यूब रे जिमिति चेंज हे जबो ताकू फिर आराम रे हम कौन कर परबा किलोमीटर रे आराम रे चेंज कर परबा। तो फर्स्ट जिंस एथरे बुझिया जिंस कोन रहला कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो पर आवर केते हबो पर आवर मिनट रे एतिके होची एतिके लीटर्स होची हैला। तो आवर रे केते हिजबो 192.5 इनटू 60 लीटर्स हिजबो हैला। एबे गोटे लीटर जो होची हेटा केते होची 1000 एमएल होची तो याको आमे एमिति भी लिखि परिबे कि 192.5 इनटू 60 इनटू 1000 एमएल 1 एमएल इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू 192.5 इनटू 60 इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब आसी गला। अच्छा इनर रेडियस ऑफ पाइप केते देची इनर रेडियस ऑफ द पाइप केते दिया है जी। तो इनर रेडियस हमें बाहर करथुल होबे केते थिला 3.5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस ऑफ द पाइप इज 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा एबे गोटे जिंस बुझिबार अछि फॉर एग्जांपल कि मते धर वाटर फ्लोटा जो अच्छी वाटर फ्लोटा 7 मीटर पर सेकेंड अच्छी तो से कितने आउ रेडियस फॉर एग्जांपल 3.5 अच्छी। जदि मु गोटे एग्जांपल तो नोचे बुझिया पई हला। तो जदि गोटे पाइप रु वाटर फ्लो होची 7 मीटर पर सेकेंड और तार रेडियस अच्छी 3.5 सेंटीमीटर। तो जदि के पचारिबो कि गोटे सेकेंड रे से पाइप केते वॉल्यूम तार वॉल्यूम केते वॉल्यूम ऑफ वाटर से बाहर करिबो तो सेम जिंसटा को हमें कोन लिखि परिबा 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यार मीनिंग हला जदी मु गोटे पाइप टा रे पाइप रो लेंथ होची फॉर 700 सेंटीमीटर आउ तार रेडियस जदी 3.5 सेंटीमीटर अछि तो ए सिलेंडर रे जेति की वॉल्यूम रहिबो दैट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी पोर्ड बाय द पाइप इन 1 सेकंड। ए जिंसोटा बुझिया रह छि कि या ए सिलेंडर रे जेति की मोर कोन पानी रहिबो हेति की पानी पाइप टा गुटे सेकंड रे पोर करिबो जदि ए डाटा गिवन अछि ए दीटा डाटा गिवन। तो एटा बुझेबा पई फॉर एक्सप्लेनेशन एटा हमर क्वेश्चन रे नाही हला।
ଫର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ହେମିତି ହେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ମୋର ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ଆସିଗଲା, ଭଲ୍ୟୁମ୍ କେତେ ଅଛି, ଏତିକି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସେ ଧରିବ, ଏତିକି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଧରିବ, ତ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଗୋଟେ ପାଇପ୍ଟେ ତିଆରି କରୁଛି ଯାହାର ରେଡିୟସ୍ କେତେ ଅଛି 3.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାର ଲେନ୍ଥ ଅଛି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଚ୍ ନେଇଯିବା, ହେଲା ଲେନ୍ଥଟାକୁ ଏଚ୍ ନେଇଯିବା, ତ ଲେନ୍ଥ କ'ଣ ହେବ, ଏଚ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଚ୍ ହେଇଯିବ ମୋର ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ କଲମ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, କଲମ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ଲୋଜ୍ ଇନ୍ 1 ଆୱାର, ହେଲା। ତ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଯେତିକି, ଯେମିତି ଏଇଠି କ'ଣ ଥିଲା 700 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା, ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ୱାଟର କଲମ୍, ୟା ଏଇଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି, ଏଇଥିରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କି ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ୱାଟର କଲମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ 1 ସେକେଣ୍ଡ, ହେଲା। ଏଇଠି ଏମିତି ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ମାଗୁଛି, ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ମାଗୁଛି କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ୱାଟର କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାରରେ ମାଗୁଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଇଏ ଯେଉଁ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପୋର୍ଡ ବାଇ ଦ ପାଇପ୍ ଇନ୍ 1 ଆୱାର, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ପୋର୍ଡ ବାଇ ଦ ପାଇପ୍ ଇନ୍ 1 ଆୱାର କେତେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏତେ ଗିଭେନ୍ ଅଛି, ହେଲା। ତ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏବେ କ'ଣ ଲେଖିବି କି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ 1 ଆୱାର, 1 ଆୱାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଲିଣ୍ଡର, କୋଉ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏ ସିଲିଣ୍ଡର, ହେଲା, ଅଫ୍ ରେଡିୟସ୍ 3.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଣ୍ଡ ଲେନ୍ଥ ଏଚ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ହେଲା। ତ ଏବେ ୟାକୁ ଲେଖିଦେବା, ତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଫ୍ଲୋ କେତେ ଥିଲା, ଏଇଠି ଥିଲା 192 × 60 × 1000, ହେଲା। ତ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା, ତ 192.5 × 60 × 1000, ହେଲା। ଏପଟେ କ'ଣ ହେବ, ଏପଟେ ହେଇଯିବ ପାଇ, ପାଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 22/7, ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ଆର୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଇଯିବ 3.5 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର × ଏଚ୍ ଆସିଯିବ, ପାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍ ହେଇଯିବ ସିଲିଣ୍ଡରଟା। ତ ଏଚ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ହେବ, ଏଚ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ ମୋର 192.5 × 60 × 1000 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 22/7, ଆଉ ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 7/2 × 7/2, ହେଲା। ତ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କାଟାକୁଟି କରିଦେବା, କିଛି କଟିବ ଯଦି, ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କଟିବ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କି ଏଇ 7ରୁ ଏଇ 7ଟା କାଟି ଦେଉଛି, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ 2ଟାକୁ ଉପରେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଇଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ, ଇଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲେ କେତେ, 192ର ଡବଲ ହେଲା 384.5, ତ ମୋର ହେଇଯିବ 385 ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ 2ଟା ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏଇ 2 ସାଥିରେ ଏଇ 11ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା, ହେଲା। ତ ଇଏ ରହିଲା 11 × 7 = 77, 5 × 3 = 385 ହେଉଛି, ହେଲା। ତ ଇଏ କଟିଯିବ, ଇଏ କଟିଯିବ, ଆଉ ଏଠି 5 ଆସିଯିବ, ହେଲା। ତ ମୋର କ'ଣ ହେଲା, 5 × 60 ବୋଲେ 300 × ଏଇଟା 1000 ଆସିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ, ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଆସିବ। ଯଦି ୟାକୁ ମୁଁ କିଲୋମିଟରରେ ଲେଖୁଛି, ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 3000 ମିଟର ଅର୍ 3 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ, ହେଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ 700 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା, ଏଇଠି 700 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଉଥିଲା, କାହିଁକି ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଆୱାର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି। ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଲେନ୍ଥଟା ଆସିବ କ'ଣ, 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଆସିଯିବ। ତା ମିନିଂ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡରଟେ ତିଆରି କରିବି, ହେଲା, ଯାହାର ଲେନ୍ଥ 3 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଆଉ ଯାହାର ରେଡିୟସ୍ ମୋର 3.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ସେଥିରେ ଯେତିକି ପାଣି ରହିବ, ହେଇ ପାଣିଟା ଏଇ ସେମ୍ ପାଇପ୍ଟା, ୟା ଏଇଟା ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ପାଇପ୍ ଭାବିଦେବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଏଇଥିରେ ଯେତିକି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରହିବ,
ये ए वॉल्यूम टा ए पाइप टा गोटे घंटा रे पोर आउट करिवो तो ए जिंसोटा बुझियार अछि तो मु लिखि देबी एठी हेंस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर हला जे बुझी पारलानी आउ थरे वीडियो को देखो क्लियर क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हबो हला तो ये हे गला क्वेश्चन नंबर 64 अब क्वेश्चन नंबर 65 देखिबा हला तो क्वेश्चन नंबर 65 हला कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर इनटू अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायमीटर 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम इज फिल्ड तो एक्चुअली से कौन कहूँगी गोटे पाइप टे अच्छे हेला यार रेडियस इंटरनल डायमीटर के 20 सेंटीमीटर अच्छे तो रेडियस टा कौन है रेडियस टा है 10 सेंटीमीटर रेडियस टा है एथर अब कौन हो पानी पड़ुची कौथे गोटे सिस्टम रे कौ टाइप केमती सिस्टम अच्छी एटा गोटे सिलिंड्रिकल सिस्टम टे अच्छे जार डायमीटर 10 सेंटीमीटर अच्छी तो मीनिंग यार रेडियस टा कौन है एटा रेडियस टा है 5 सेंटीमीटर आउ यार डेप्थ तो अच्छी 2 मीटर सॉरी एटा सेंटीमीटर नहीं मीटर अच्छे हला तो ये है गला मोर पाइप ये है गला मोर सिस्टम तो पूर्व क्वेश्चन टा को भाविकी रखियार अच्छे तो से पचार केते समय रे अच्छा यार रेट केते दिया है रेट दिया है 3 किलोमीटर पर आवर हला 3 किलोमीटर पर आवर दिया है अभी से कहू छी कि केते समय रे ये ए सिस्टम टा को फिल कर दबो ए जिंसोटा बुझा रह छी तो मु कहबी लेट टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम इज एक्स आवर्स हला स्मॉल एक्स आवर्स है हला तो एबे गोटे जिनस अछि तो एथिरे एबे मु लेंथ ऑफ गोटे घंटा रे से गोटे घंटा रे पाइप टा केते वॉल्यूम केते वाटर कॉलम टा केते लेंथ रहि जइबो तो दिस इज इक्वल टू 3000 मीटर है जीवो और 3 किलोमीटर है जीवो एटा लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम हला रेडियस टा इठ केते है जीवो 10 सेंटीमीटर है जीवो तो मु कहि परबी कि वॉल्यूम गोटे घंटा रे से केते वॉल्यूम पोर करिवो तो गोटे घंटा रे से दिस मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पोर करिवो हला केते एई सिलेंडर रे जति कि वॉल्यूम अछि तो मु कहि परबी लेंथ एटा गोटे घंटा रे आसला जदि एक्स घंटा रे हबो तो एटा कोन हे जइबो एटा 3x1000 मीटर हे जइबो तो मु लेखि परबी लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन एक्स आवर्स कोन हे जइबो 1 आवर रे तो 3000 अछि एक्स आवर रे केते हे जइबो 3x किलोमीटर और 3000 एक्स मीटर आसी जइबो हला रेडियस केते अछि रेडियस ऑफ पाइप केते अछि दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 1/10 मीटर काहे कि सब जिंसो मीटर रे गिवन अछि तो एबे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन पाइप इन एक्स आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हे जइबो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन पाइप इन एक्स आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम हे जइबो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम हे जइबो अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कोन हबो एटा हे जइबो पाई ठीक अछि इनटू आर आर स्क्वायर बोले 5 रो स्क्वायर इनटू एच एच बोले कोन डेप्थ हे जइबो तो 2 आसी गला अच्छा एपोटे देखिबा तो ए जो एक्स आवर रे जे फिल करिवो हेटा भी इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन
सिलिंडर हम जो थे लेंथ ऑफ वाटर कॉलम टा के 3000 x मीटर आउ ब्रेथ टा के सॉरी रेडियस टा के 1/10 मीटर है जीवो ए जिन छोटा बुझियार अछि तो ताको मु लिखि देबि तो ये आसे जीवो पाई 1/10 स्क्वायर आर स्क्वायर है जीवो इनटू 3000 x है जीवो तो x रो वैल्यू के अबे इथिर काटी देबा तो ये 300 तळे केते आसु 100 ये 3000 तो मोर रहि जीवो केते मोर 30 रहि जीवो ताको पाई पाई कैंसिल कर दवा पाई पाई कैंसिल कर दवा तापर लिखिबा 3000 x डिवाइडेड बाय 100 आ एपोटे आसला 5 स्क्वायर इनटू 2 लिखि दवा हला तो ये 2 रु 2 कटि गला ए 5 रु गुटे 5 रु ये हे जइबो 6 ये कटला 3 आ ये कटि जइबो 1 तो x इज इक्वल टू 5/3 आवर्स या मु लिखि परबी 1 होल 2/3 आवर्स या 1 आवर और 2/3 आवर्स कौन होची 40 मिनट्स हला तो द सिस्टम विल बी फिल्ड इन 1 आवर 40 मिनट्स तो लिखि देबा हेंस द सिस्टम will be filled in 1 hour 40 minutes hala acha e question ta ko kariyar aute technique bi acha ethre e question ra kariyar aute technique kon achi ki ame kahi paribu ago volume of water poured out by the pipe in 1 hour kon hobo volume of water poured out by the pipe in 1 hour kete hi jibo that is equal to pi into moro r hi jibo kete 1/10 whole square into 3000 meter asi jibo eta kon asla eta volume of water poured meter cube asi gala to poured by the pipe in 1 hour let x hour re fill hoji x and this is equal to area of the sorry volume of the system that is equal to pi 5 square into 2 kari pariba imiti bi answer bahar kari pariba jodi question ta direct ye object subjective thibo ya descriptive thibo eti yatra likhebu padibo jodi objective thila gutte line ra answer baharibo ethire kichi kariyar hi nai to ei jinso ta dekhiyar achi to ethu bahut jinso janiya ku bi miluchi to sikhiya paim bi important jinso achi तो क्वेश्चन नंबर 65 है वाला अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिबा तो क्वेश्चन नंबर 66 हैला कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकंड थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस ऑफ बेस इज 40 सेंटीमीटर डिटरमाइन द इंक्रीज इन वाटर लेवल इन हाफ एन आवर हैला तो इंक्रीज इन वाटर लेवल पचछु तो ये जिनसा सिंपल जिनस अच्छे एटा मोर गोटे पाइप टे अच्छे हैला जार इंटरनल डायमीटर केते अच्छे 2 सेंटीमीटर तो रेडियस टा केते हिजबो रेडियस टा मोर हिजबो 1 सेंटीमीटर हिजबो इथ्रु कोन होउछि इथ्रु पानी पडुछि कुथरे गोटे सिलिंड्रिकल टैंक रे हैला एमते सिलिंड्रिकल टैंक टे अच्छे हैला के डायग्राम एपोट सपोट हे गला तो सिलिंड्रिकल टैंक टे अच्छे हैला जार रेडियस ऑफ द बेस केते दिया है जो 40 सेंटीमीटर दिया है जो तो दिस इज 40 सेंटीमीटर एबे से कहू छी कि आधा घंटा रे वाटर लेवल टा केते हे जबो तो ए जो फॉर एग्जांपल आधा घंटा रे वाटर लेवल टा इठे आसी गला तो याकू एच नै जबा तो केते के हबो पचर छ तो लेट rise in the level is equal to h centimeter so this is also a cylinder or not jodi eti portion ta ame dekhiba eta bi cylinder ho jibo jar radius kete achi 40 centimeter height ta h achi hala to rate of flow of water kete achi 7 meter per second achi ta meaning yaku jodi
सेंटीमीटर रे लिखिबा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिस इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड और 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड हैला। तो एबे जदि मु कहिबी गुटे सेकेंड रे केते वॉल्यूम फिल करिवो इस ए जो पाइप टा, तो इधर कौन करिवो डायरेक्टली गुटे सिलेंडर भाभी दबा हैला, सिलेंडर भाभी दबा सिलेंडर रे जार ये कौन है जुबो लेंथ है जुबो 700 सेंटीमीटर और रेडियस टा 1 सेंटीमीटर है जुबो। तो लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम कितना है गला, लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम है जो 700 सेंटीमीटर। ये तो कौन आसला ए एरिया टा आसला गुटे सेकंड रे हैला, आधा घंटा रे कौन होबो आधा घंटा रे सॉरी ए वॉल्यूम टा जो आसला आधा घंटा रे कौन होबो आधा घंटा रे इनटू 1800 सेकंड करिया को पड़बो। तो मु कहि परबी लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम, लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम एटा केते आसा ए वाटर कॉलम टा आसला फॉर 1 सेकंड हैला 1 सेकंड। तो लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इन 1 आवर केते हिजु वाटर कॉलम इन 1.5 आवर्स केते हिजु 1.5 आवर्स हिजु 700 इनटू आधा घंटा रे केते सेकंड सोच 1800 तो 1800 सेकंड हिजु हैला। तो एतिकी सेंटीमीटर आसी गला ए वाटर। तो अबे कौन हो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे ही जुबा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जुबा लेंथ आउ इतकी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन हाफ एन आवर से कितने पोर करिबो, तो हाफ एन आवर कितने पोर करिबो। तो सेम जिन छोड़ा बुझिबा ए डायग्राम बने हुए नहीं, इटा खाली मु बुझिया पे बनू छी हैला। एठी 1 सेंटीमीटर है जुबो आउ इटा कौन है जुबो दिस इज इक्वल टू 700 इनटू 1800 हैला आउ एटा कौन पाई फॉर हाफ एन आवर। तो एतिकी वॉल्यूम ए जो ए सिलेंडर टा डिसला एतिकी वॉल्यूम से पूर करिबो इन हाफ एन आवर। तो मु लिखि परबी वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोस इन द टैंक इन 1.5 आवर्स इज इक्वल टू मोर ए वॉल्यूम ए वॉल्यूम टा केते हि जुओ पाई इनटू रेडियस टा केते अछि रेडियस हला मोर सॉरी ए वॉल्यूम टा ना ए वॉल्यूम टा एसला तो पाई इनटू रेडियस टा हला 1 स्क्वायर इनटू 700 इनटू 1800 आसला हला। तो ये वैल्यू टा आसी गला आउ ए वॉल्यूम टा इज आल्सो इक्वल टू दिस सिलेंडर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू पाई इनटू मोर 40 स्क्वायर इनटू हाइट टा हि जबो एच हैला। तो याकु मु आउ थरे लिखि दउ छी तो पाई इनटू 1 स्क्वायर इनटू 700 इनटू 1800 हैला दिस इज इक्वल टू पाई इनटू 40 स्क्वायर इनटू एच आसी जबो। एबे पाई पाई कैंसल आउट है जबो 1 रो तो किछ दरकार नै तो ये तले आसी जबो तो एच इज इक्वल टू 700 इनटू 1800 डिवाइडेड बाय मोर 40 इनटू 40 आसी गला तो 0000 कैंसल आउट है गला हैला। तापरे एथु काट दबा ये आसीबो 9 ये आसी जबो 2 तो मोर आसीला 6300 डिवाइडेड बाय 8 आसीबो याकु सॉल्व करबे ये 787.5 सेंटीमीटर आसी जबो हैला। तो एच रो वैल्यू आसला 787.5 सेंटीमीटर। तो लिखिबा हेंस द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर इज इक्वल टू 787.5 सेंटीमीटर हैला।
टिके कॉम्प्लिकेसी रहुची जे बुझी पन्न बारंबार वीडियो को देखो बुझी परबो इजी जिंस होरा खाली टिके खाली जो जगह जो पॉइंट टिके हल्का गोटे जगह रे धरि देले क्वेश्चन टा सॉल्व हो जइबो हला। तो ये हे गला क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 67 देखिबा हला। तो क्वेश्चन नंबर 67 हला अरे क्वेश्चन नंबर 67 देख। तो क्वेश्चन नंबर 67 हला वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर हला इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड डिटरमिन द टाइम इन विच द वाटर इन द टैंक विल राइज टू 7 सेंटीमीटर हला। तो ये जिनसटा बुझियार अछि कि मोर वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो सिंपल जिनस हला कि 1 आवर भितरे 1 आवर रे वॉल्यूम केते आसीबो। तो 1 आवर रे वॉल्यूम आसीबो लेंथ 5 किलोमीटर पर आवर बले एट केते जो 5000 मीटर आसीबो हला। आउ रेडियस केते अछि डायमीटर 14 सेंटीमीटर अछि तो रेडियस ता केते जीवो 7 सेंटीमीटर। तो एत्ती की वॉल्यूम एई सिलेंडर रे जेत्ती की वॉल्यूम अछि हेत्ती की वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी पोर्ड आउट थ्रू दिस पाइप इन 1 आवर हला। एटा पोर कुठी हबो इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक गोटे रेक्टेंगुलर टैंक रे पोर हबो हला। एमते गोटे रेक्टेंगुलर टैंक रे पोर हबो हला विथ 50 मीटर लॉन्ग अच्छी आउ 44 मीटर वाइड अच्छी। से कहते डिटरमिन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ द वाटर राइजेस टू 7 सेंटीमीटर। तो लेवल टा मत बाहर करियार अच्छी ए लेवल टा फॉर एग्जांपल ए लेवल टा कितने अच्छी 7 सेंटीमीटर लेवल टा बाहर करियार अच्छी। तो या कुछ गंती करेगा तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन द टैंक इन 1 आवर केते हिजबो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फिल्ड इन द टैंक इन 1 आवर केते हिजबो दिस इज इक्वल टू ए जो सिलेंडर अछि तार एरिया बोले पाई आर आर केते अछि 7 सेंटीमीटर या को मु लिखि परबि 7/100 कोन हे जइबो मीटर हे जइबो। तो दिस इज इक्वल टू 7/100 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच एच केते अछि लेंथ मोर 5000 आसी वाला हैला। तो दिस इज इक्वल टू मोर वैल्यू टा ये कोन आसीबो ये तळे 10000 ऊपर 5000 तो मोर हैला 5 इनटू एटा 7 अछि 49 डिवाइडेड बाय 2 आसी हला। तो मीटर क्यूब आसी गला एटा आसला कोन गुटे घंटा रे जदी टैंक टा मोर 7 सेंटीमीटर हाइट फिल होबा पई एक्स आवर्स लगुची। तो मु लेखि परबी लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक fill the tank to 7 cm height is equal to x hours jodi achi hala to mor volume of the tank filled in x hours kete hejbo volume of the tank filled in एक्स आवर्स केते हिजबो एतिकी गोटे घंटा रे भरुची इनटू एक्स कर दबा तो 49 पाई बाय 2 इनटू एक्स हैला। एंड दिस इज इक्वल टू ए जो डॉटेड लाइन रे मु देखौची ए जो डॉटेड लाइन रे याकु इमते जॉइन कर दबा ये भी गोटे सिलेंडर हबो कि नाही ए सिलेंडर रो सॉरी क्यूबॉइड हबो। तो ए क्यूबॉइड रो एरिया तो यार लेंथ केते आसला 50 सेंटीमीटर 50 मीटर ब्रेथ आसला 44 मीटर आ हाइट ता केते आसबो 7 सेंटीमीटर ताकु भी मीटर रे लिखिबा तो 7/100 आसी गला हला। एबे सॉल्व कर द तो दिस इज इक्वल टू मोर आसी जबो
एक्स इज इक्वल टू ए टू टाको ए टू नहीं जीवे तो टू इंटू फिफ्टी इंटू फोर्टी फोर इंटू सेवन बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर्टी नाइन इंटू पाई पाई कहते हैं जो ट्वेंटी टू बाई सेवेन आसीज है तो ये कटिगला या साथ रे सेवेन रहिला ये सेवेन कटिगला या साथ रे है आउ कौन जीवा ये ट्वेंटी टू या साथ रे पड़ेगा तो टू रहिगला है ये हंड्रेड आसला एटा भी हंड्रेड आसला कटिजो तो एक्स इज इक्वल टू टू रहिगला तो एक्स इज इक्वल टू टू आवर्स आसीगला तो मु कौन लिखी हेन्स द लेवल है हेन्स ना सो द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक टैंक विल राइज बाई सेवन सेंटीमीटर इन टू आवर्स है दैट इज माई आंसर तो ये वीडियो रे इतनी की हैला क्वेश्चन कम हैला बट सेम टाइप रे हमें क्वेश्चन डिस्कस करलु बारंबार देखिबे जदी बुझी पर नहंती आपण क्लियर कट जानी परबे कि कोन होछ हैला सो थैंक यू वेरी मच